NDTH न्यूज सच को रखे आपके आगे। सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं NDTH न्यूज सच को रखे आपके आगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले मायम से मोहलपुरा की कॉरपोरेटर परवीन सुल्ताना ने सोशल मीडिया पर मोहलपुरा के इंस्पेक्टर रवि कुमार की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की थी और उसमें यह बताया था कि मोहलपुरा के इंस्पेक्टर रवि कुमार ने एक छोटी सी गलती पर दो मुसलमान लड़कों के ऊपर एक केस बुक कर उन्हें जेल भेज दिया। और मोहलपुरा के इंस्पेक्टर रवि कुमार का यह कहना है कि परवीन सुल्ताना आए दिन किसी ना किसी को अरेस्ट कराने के लिए, किसी ना किसी को रिलीज कराने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन को कॉल करती हैं। अगर उनकी बात ना सुनी जाए तो वो हमेशा ऐसे ही फॉल्स एलिगेशंस लगाती हैं। अगर उन दो लड़कों के ऊपर बिना केस बुक करके उन्हें छोड़ दिया जाता तो तब भी इंस्पेक्टर रवि कुमार पर ये इल्जाम लगता था कि रवि कुमार ओल्ड सिटी में पोस्टिंग होने की वजह से मुसलमानों की गुलामी कर रहे हैं और हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे हैदराबाद के ऐसे हालात हो चुके हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर किसी मुसलमान के ऊपर केस बुक कर उसे जेल भेजता है तो उसे RSS का एजेंट कहा जाता है, किसी मुसलमान के ऊपर बिना केस कर उसे रिलीज कर दिया जाता है तो उसे मुसलमानों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन मैम की कॉर्पोरेटर परवीन सुल्ताना किस हद तक सही थी उसका जवाब उनकी ही पार्टी के एक MLA ने दे दिया। एक तरफ जहां पर परवीन सुल्ताना उन दो लड़कों को बेकसूर और मासूम बता रही थी तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के MLA मुमताज अहमद खान ने यह साबित कर दिया कि वो दो लड़के बहुत ही आवारा किस्म के थे जो एक फहाशा लड़की के लिए बीच सड़क पर झगड़ा कर रहे थे, जिसके लिए इंस्पेक्टर रवि कुमार ने उन दो लड़कों के ऊपर जो भी केस बुक कर उन्हें जेल भेजा है वो एकदम सही किया है। आइए देखते हैं NDTH न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, मुताक खैरियत जी? दुआ भाई, और आराम फरमा रिशाद आप? मैंने बोलिए, क्या है भाई? आपके एरिया पुलिस स्टेशन जो मुगलपुरा है जी, वहाँ के इस वाले की मेहरबानी से दो बच्चे जेल को चले गए। क्या हरकत करे? क्या हरकत करे बोलिए आप? एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेके जा रहा तो रोके वो? आवारा पुट्टी है वो? नहीं कुछ भी, उन लोगों को थोड़ी मालूम था वो है, बल्कि मेरी बच्ची को लेके गया क्या घर में से भगा लेके? नहीं नहीं, वो आवारा है या अच्छी है वो बच्चों को थोड़ी मालूम था वो? आप बोलिए अगर ये हरकत आज मालूम हुआ वो? नहीं नहीं, आपको आज मालूम हुआ आपको वो, लेकिन ये हरकत कोई हिंदू लड़की रहती तो मुसलमान लेके जा रहा तो अब तक उसकी जान ले लिए थे। क्या करो, क्या बोलो, मेरे को जान लो बोल रहे हैं आप? वो एरिया के जो पुलिस स्टेशन का सर्कल जो भी है ऐसा ही उसको सस्पेंड कराइए आप। ये अच्छी बात है, आप लोग कमिश्नर पुलिस हो? मैं नहीं कमिश्नर पुलिस में, आप लोग फिर मारो रात के घर पे जाके पहले, तुम समझे? नहीं उसका तो करेंगे आप, अरे नहीं वो उसका जो भी करेंगे, आप भी हमारे मुस्लिम लीडर है, आप लोग कुछ तो काम में आइए ना। हमारे काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आप ही का काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं ना, आप लोग मस्जिद के काम में आ रहे हैं ना, कोई गुस्सा के रसूल को अरेस्ट कराने के काम में आ रहे हैं? अपन बैठ के, अरे घर पे क्या था, वोट लेने के लिए आप घर घर फिरते, अब हमको घर आओ बोल रहे हैं आप? रखते चप्पल लेके मारू अपने नंबर लेके घर पे आके तुम्हारे को, आपको बात करने की तमीज हो ना? आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे से? आप वोट लेते हो की बात करो आप? फाशा औरत की तारीफ कर रहा, कौन तारीफ कर रहे हैं? मुसलमानों के नाम को बटला लगा रही हरामजादी वो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी तो करना ना आप, लगते टेलीफोन नहीं। अब मैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रहा साहब, आपको आपको मालूम है कुछ मुसलमान है दिल में, बहुत बड़ी हमदर्दी है मुसलमानों के ताल्लुक से। आप ऐसा गुस्से में आ जा रहे फिर आप? ज्यादा बहस नहीं करता मैं घर नंबर ठंडा के घर पे आऊंगा तुम्हारे, मैं समझे? अरे मुमताज साहब मैं आपको कोई गुस्सा दिलाने के लिए नहीं करा, कौन आप इतना गुस्से में आ जा रहे? ठीक है अब नहीं नहीं आप बोल रहे ना, वो फाइशा है हमारे को तो नहीं मालूम है वो, आपको मालूम है? अच्छा हिंदू बच्ची के साथ तूने, अच्छा तेरी वाली दादी का जबरदस्ती करके लेके आओ ने
जबरदस्ती कर चलिए, लिया तो खर्चा नहीं कर डालेंगे। आपकी बात सही है, वो गलीज गलीज है मुसलमान के नाम पे। तो बच्चों को क्या मालूम था, बच्चों के ऊपर केस बुक होगा ना साहब ये? ऐसा नहीं मालूम, आवारा बुड्ढे वो कौन से अच्छे बच्चे, तुम बच्चों से वाकिफ भाई हो? अब सब वाकिफ आप ही दिख रहे हैं, जान दो क्या बोलेंगे आपको। पैदा हो गया बड़ा हूँ, ये गलियों में मालूम समझे। आप देखो वो पुलिस वाला परवीना सुल्ताना जो हमारे मैडम है, उनसे भी कैसी बात कर रहा है, मारे तो ने अब मारना क्या बोल रहा है उनको भी। आप रखिए, मैं तो ज्यादा हुज्जत करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा करा पुलिस वाला जो भी करा। ठीक है साहब, आप पुलिस वाले की तायद करिए। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा हुज्जत करेंगे, आपका नंबर ठंड लाके घर पे से खिदार कर लेके आऊंगा तुम्हारे को मैं। अरे तो साहब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बुरा बोल रहा हूँ? बड़े मुसलमान बड़े हमदर्दी की बात कर रहे हैं, जाके धनरा में भी नागे के ऊपर 150 मुसलमान है जाके, हाँ बड़ी हमदर्दी है ना, दिल में मुसलमानों का जज्बा है तो।